हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ तुम सब बढ़िया होंगे। फाइनल दोस्तों, आज का वीडियो अपना कुछ इस तरह की जगह से शुरू कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं ना किसी काम से आज रियासी जा रहा हूँ, तो फाइनली गाइस आप लोग एंजॉय करना, फुल वीडियो वॉच करना। और अभी ना मेरा दोस्त था मेरे साथ, वो कहीं गया है और मैं अब मिलता हूँ आपको सीधा अपनी बाइक पे जाके, पूरा एंजॉय करो। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक पे, धीरे धीरे चल रहे हैं स्लो। बारिश भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, आज बुरी हालत हुई बारिश में। तो यहाँ पर ना रोड बिल्कुल गिली है, अगर ब्रेक मारेगा ना बाइक स्लिप कर देगी। और हम ना धीरे धीरे चल रहे हैं अभी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है। आप लोगों ने देखा था मैंने जैकेट पहनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो फाइनली दोस्तों, अभी ना हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। यहाँ की लोकेशन मैं आपको बता दूँ तो रियासी में पड़ता है, ये सलाल का एरिया है, काफ़ी माउंटेन एरिया है ये। यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप, पत्थर वगैरह आने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। और यहाँ पे सामने देखना आप, आगे बहुत ही ख़राब रोड आएगी, बिल्कुल ऑफ रोड। देख रहे हो कितने कितने खड्डे और पत्थर कितने कितने इस रोड पर पड़े हुए हैं। आगे से गाड़ी भी आ रही है, ये देखो, देख रहे हो किस तरह का रोड है। ऊपर देखो, और बारिश में ना काफ़ी स्लिप होती है बाइक इस रोड पे, बहुत ही ख़तरनाक रोड है भाई ये। तो गाइस अभी धीरे धीरे अपना सफ़र रखा है कंटिन्यू, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेगी। अगर अंधेरा हो गया रास्ते तो रुकना भी पड़ेगा कहीं। तो यहाँ पे यार काफ़ी खड्डे वगैरह हैं, धीरे धीरे चलेंगे कहीं बाइक स्लिप ना करें। तो फाइनली दोस्तों, अभी बाइक लगा दी साइड पे, देखते हैं यार कहाँ कहाँ मिट्टी लगी है, काफ़ी रोड ख़राब थी ना, देख रहे हो कितनी मिट्टी लगी बाइक में। और आगे वाली साइड में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी बाइक की और मेरी भी। चलिए दोस्तों देखो, तो अभी तक अपना सफ़र जो वो कंटिन्यू था, अभी बाइक को लगा दिया साइड पे, यार उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ना हमें एक बंदे का इंतज़ार करना है अभी, उसके साथ थोड़ा बहुत काम है और वो अभी आ रहा है। यहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारे ब्लॉक पहले भी शूट किए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी मिट्टी वगैरह पीछे जो है ना, ये अभी ऐसे ही है, इसको अभी काटने का काम जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर ना मौसम इतना ख़राब हो गया, ये जैकेट आप देख रहे हो ना, कल से मैंने पहनी हुई है और अभी तक भी पहनी हुई है। और यहाँ पे सामने में एक जगह बर्फ़ भी गिरी हुई है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की, अगर आप हमको दिखती है तो मैं जूम करके दिखाऊँगा। चलिए गाइस देखो अब बैक कैमरे से, तो यहाँ पे ना सामने बर्फ़ गिरी है यार, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख रहे हो इन पौधों के बीच में, देखो यार वाइट वाइट से दिख रहा है ना, ये बर्फ़ गिरी हुई है। और ये जितना भी इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा अभी ना कम से कम 15-20 दिन के बाद यहाँ पर बर्फ़ गिर जाएगी, और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना। और मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि अपना तो रूट ही यही है भाई, तो इसी रूट पे हम ज़्यादातर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, पिछली बार ना मेरी गाड़ी कम से कम भी 15 दिन ना यहीं पर रही थी, 15 दिन के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर्दियों में। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर के बाद फिर से मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो ना कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैं कहीं आया हुआ था तो मैंने जितनी भी राइड की मैंने आप लोगों को सब दिखाया। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।